एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली है। शर्म की बात, मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। आप मोबाइल फोन के पीछे देखो, शर्ट के पीछे देखो, जूते के नीचे देखो, मेड इन चाइना दिखेगा। हम सही बात ना, आपने आपने कभी किसी कैमरा के पीछे, शर्ट के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश देखा है? नहीं देखा। ये हम करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं हमारी सरकार आने के बाद यहां जो लाखों करोड़ों युवा है वे बेरोजगार ना रहें, वो फैक्ट्रियों में काम करें, और ऐसा एक दिन आए जब चाइना में कोई युवा हो वो अपना मोबाइल फोन निकाले, उसके पीछे देखे, उसके पीछे लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और वो कहे यार ये मध्य प्रदेश कहां है, मैं जाके देखना चाहता हूं, ये कौन सी जगह है जिसने हमारी सारी की सारी नौकरियां ले ली और मेड इन चाइना को मेड इन मध्य प्रदेश बना दिया। ये हमारा सपना है। यहां पे आपके 15 साल 18 साल जाया हो गए, एक के बाद एक इन्होंने आपको झूठ बोला। प्रधानमंत्री यहां आते शर्म नहीं करते हैं, पूरा मध्य प्रदेश जानता है कि मध्य प्रदेश में एक कारखाना नहीं खुला, और यहां प्रधानमंत्री आके कहते हैं हमने मध्य प्रदेश में 500 फैक्ट्रियां खोली है। शर्म की बात, नीमच में कहा, मतलब देखिए शर्म ही नहीं है, मतलब जीरो शर्म है। चले जाते हैं, जो मन में आता है कह देते हैं, पता नहीं मालूम ही नहीं होगा, पता नहीं क्या है, मगर शर्म नहीं है कि यहां आकर जनता से कह सकते हैं कि भैया 500 फैक्ट्रियां हमने खोली हैं, और सोचते हैं कि जनता को कोई आइडिया नहीं, कोई समझ नहीं। अजीब सी बात है। मैंने बेरोजगारी की बात की, भाइयों और बहनों, रोजगार अरबपति नहीं देते हैं, रोजगार छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले, हमारे किसान, ये लोग रोजगार देते हैं। और बीजेपी की सरकारों में, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, छोटे व्यापारियों पर, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों पर आक्रमण होता है। बीजेपी ने आपसे कहा कि हम काले धन को मिटा देंगे, नोटबंदी कर दी। यहां पे नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? एक आदमी हाथ उठा के कह सकता है हां नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी जो की उससे मुझे फायदा हुआ? आपको एक आदमी नहीं मिलेगा। नोटबंदी का फायदा हिंदुस्तान के अरबपतियों को हुआ। किसको? अडानी को। अडानी को हुआ भैया। अडानी देश के सारे एयरपोर्ट ले गया, पोर्ट्स ले गया, इंफ्रास्ट्रक्चर ले गया। अडानी जी के लिए नरेंद्र मोदी जी किसान बिल लाए थे, वो अच्छी बात है कि किसान खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमें ये बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना पड़ा। मगर सरकार अडानी जी जैसे लोगों के लिए चलाई जाती है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चलाई जाती है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए,
छोटे दुकानदारों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए नहीं चलाई जाती। और होता क्या है, जो देश की रीढ़ की हड्डी है, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी है, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस वाले, उनको नरेंद्र मोदी जी और शिवराज चौहान ने खत्म कर दिया है। तो हुआ क्या, ये चाहे भी ये मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकते, ये सच्चाई है। हमने भी वायदे किए हैं, मैंने यहां आकर पिछली बार कहा था हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे, हमने कर दिया। हम यहां झूठ बोलने नहीं आए हैं। गैस सिलेंडर कितने का मिलता है, 1200 का? आप लिख लो, चुनाव के बाद यहां मध्य प्रदेश में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हो जाएगा। और जैसे हमने कर्जा माफी की पिछली बार वायदा किया था, इस बार हम उस काम को पूरा करेंगे। 2 लाख रुपए तक का कर्जा मध्य प्रदेश के किसानों का हम माफ कर देंगे। मैंने तो अपने चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल चीफ मिनिस्टर से कह रखा है, देखिए जितना पैसा बीजेपी के लोगों ने अरबपतियों को दिया है, उतना पैसा हमें किसानों को, मजदूरों को, उतना ही पैसा उनकी जेब में डालना है। तो यहां जैसे हमारी सरकार आएगी, गेहूं के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल आपको मिलेगा और वो बढ़ता जाएगा, आपको पूछने की भी जरूरत नहीं होगी। वो 2600 पे शुरू होगा और वो चढ़ता जाता जाएगा 3000 से आगे जाएगा। और 100 यूनिट बिजली के 100 रुपए के लिए मिलेंगे। तो ये हमारे वायदे हैं और हम चाहते हैं कि जो काम हम छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं किसानों की, वहां हमने जिंदगी बदल दी, छोटे दुकानदारों की, व्यापारियों की, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों की हमने जिंदगी बदल दी, वो हम मध्य प्रदेश में करने जा रहे हैं। देखिए सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, यहां पे चुनाव कांग्रेस पार्टी स्वीप करने जा रही है, मतलब भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव जीतेगी और हमारी सरकार आएगी। तो उसके बाद हमारी जिम्मेदारी बनती है,